अगर आप भी मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आप अच्छी तरीके से मैजिक ट्रिक सीख जाएंगे। किस तरीके से हमने सबसे पहले हमने 20 रुपए के नोट को लिया और हमने इस तरीके से इसमें छेद करके इस नोट को इस जो ये जो हमारी चम्मच है हमने से बाहर निकाल दिया और ये देखिए नोट तो फटा भी नहीं। तो इस मैजिक ट्रिक को हमने कैसे किया चलिए हम आपको सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, और मैजिक ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम भी समझ जाएं ये मैजिक ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी। चलिए हम बताते हैं ये मैजिक ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको एक 20 रुपए का नोट चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए दो इस तरीके की सेम चम्मच। ये देखिए दो चम्मच आपको एक जैसी चाहिए, ये देखिए एक जैसी होनी चाहिए दोनों चम्मच। और इस नोट को आपको इस तरीके से अपने दोस्त को दिखाना है, आप मैजिक ट्रिक किसके साथ भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से इस नोट को दिखाएंगे और फिर इस नोट को ये जो है इसे 20 रुपये के नोट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है ये चम्मच लेनी है और चम्मच को इस तरीके से इसमें इतना गैप रखना है ना, अगर आप इसमें गैप रखेंगे गैप रखने के बाद इतना इस तरीके से आपको सामने से दिखाना है, सामने आप दिखाएंगे और इस तरीके से नोट के बीच में फंसाना है, बीच में आपने इस तरीके से फंसा दिया। ये देखिए इस तरीके से पीछे से हम दिखा रहे हैं, आगे से देखिए आगे से लग रहा है कि आगे से कोई लग रहा है कि दो चम्मच है नहीं, आगे से लग रहा है सिर्फ एक ही चम्मच है। तो आपको इस तरीके से कुछ फंसाना है और ये देखिए जब आप ऐसे मैजिक करेंगे एक दो तीन पीछे वाली चम्मच आपको उठा देनी है, पीछे इस तरीके से कर देनी है और ये देखिए ये देखिए देखिए लग रहा है कोई दो चम्मच है नहीं, ये देखिए की इस वीडियो में हम इस 10 रुपए के नोट से 100 रुपए का नोट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देख लिया होगा मैं किस तरीके से इस 10 रुपए के नोट से 100 रुपए का नोट बनाया, तो हम आपको भी सिखाएंगे आप भी किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम आप हमारी वीडियो को पूरा देखते रहें, चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इस मैजिक को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार आपको करके दिखाते हैं कैसे किया। देखिए 10 रुपए का नोट है, हमने इस तरीके से कुछ फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ मैजिक किया, इस 10 रुपए के नोट के अंदर हमने कुछ मैजिक किया। और मैजिक करने के बाद ये देखिए ये हमारा 100 रुपये का नोट बन के तैयार है। 100 रुपये का नोट हमारा बन के आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल 100 रुपये का नोट बन के आ चुका है। तो आप इस मैजिक ट्रिक को कैसे कर सकते हैं चलिए हम आपको बताते हैं ये मैजिक ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये मैजिक ट्रिक कैसी लगी जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस नोट इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको एक 100 रुपये का नोट चाहिए और एक चाहिए आपको 10 रुपये का नोट, एक 100 रुपये का नोट एक 10 रुपये का नोट चाहिए। और आपको ये 100 रुपये का जो नोट है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और अपने हाथ में कुछ इस प्रकार फंसा लेना है। उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से मैजिक करते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी एक बार करके दिखाते हैं। फिर आपको कुछ तरीके से 10 रुपये का नोट पकड़ना है और इसे फोल्ड करना है, इसे फोल्ड करने के बाद ऐसे आप मैजिक करेंगे तो यहाँ 10 का नोट रख लेना है और 100 का नोट निकाल लेना है और ऐसे करके फिर खोल कर आपको दिखा देना है। देखिए 100 के नोट तो कितनी सिंपल मैजिक ट्रिक थी जिसे आप अपने दोस्तों के सामने बिल्कुल रख सकते हैं और आपका दोस्त भी एकदम चौंक जाएगा इस मैजिक ट्रिक को देख के। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करें।